चुनाव खत्म हो चुका है, जाहिर सी बात है मोदी जी जीत गए हैं, ये भी जाहिर सी बात है, पता सबको। क्या नहीं पता है और अंदाजा आप लोगों को लग रहा होगा, और एक सवाल से मैं शुरू करता हूँ वीडियो। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो में एंड तक बने रहना, कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, अभी से सुधरे नहीं है ये लोग, नैरेटिव बनाना नहीं छोड़ेंगे। विपक्ष सवाल उठाता है डेवलपमेंट पे, सिक्योरिटी पे, और ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे सवाल उठाना जरूरी होते हैं अगर सरकार पीछे होती है तो। लेकिन विपक्ष अपने काम पे लगा हुआ है, जिस काम के लिए वो आज तक करता है, वो जिस बात के लिए फेमस है। नैरेटिव ये बनाया जा रहा है, भाजपा के आते ही मुस्लिमों को खतरा, भाजपा के आते ही मुस्लिमों पर अत्याचार, भगवा रंग हर जगह देखा जा रहा है। लेकिन इसमें एक ये बात थी, किसी ने ये नहीं कहा कि मोदी फ्यूचर में क्या डेवलप कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, उनकी ये नीति कैसी है, उनकी ये नीति कैसी है, करप्शन ये वो कुछ। सिर्फ वो बातें कहीं जो लोगों को बांटती हों, और मुझे समझ नहीं आ रहा इन लोगों की बातों में क्रेडिबिलिटी कितनी है कि लोग सुने फॉलो करें, क्योंकि 5 साल तक ये लोग यही बोलते आए। उनकी एजेंडा ये था कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ मोदी को हराना है, मोटिव ये था। और इस मोटिव को चिल्ला चिल्ला के केजरीवाल, ये मायावती, अखिलेश, राहुल ये सब बोलते थे, तो जनता बेवकूफ़ नहीं सुनती थी, तो उसको भी लॉजिकल लगता था। तो जनता ने अपना दिखा दिया कि तुम बोलते रहो कुछ भी, हम पे असर नहीं होगा, हम बटन दबाएंगे, और ये सबूत सबने देख लिए। अब बात आते हैं कि क्या नैरेटिव जो बनाया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि एक तो धर्म वाला नैरेटिव बनाया जा रहा है, और इसी धर्म वाले नैरेटिव से जब भी कोई मुद्दा आएगा, जैसे 370 जब हटने की बात शुरू होगी, तब भी ये धर्म बीच में आएगा आपके, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादातर मेजॉरिटी मुसलमानों की है, तो फिर से पॉलिटिक्स खेली जाएगी डिवाइड एंड रूल की, धर्म की। जब राम मंदिर का मुद्दा आएगा तब भी इस नैरेटिव को चिंगारी लगाई जाएगी, आग लगाई जाएगी कि मुसलमान भड़को, हिंदू भड़को। लेकिन एक बात किसी ने नोटिस नहीं की जो ये नैरेटिव बना रहे हैं, कि जिन लोगों ने सरकैज़म में ये कहा कि मोदी ने चौकीदार लगाए तो हम बेरोज़गार लगाएंगे, मोदी तो चौकीदार इसलिए लगाता था क्योंकि उसने वो भूमिका निभाई, वो फिर से उस भूमिका में आ गया, चौकीदार बन गया, देश की रक्षा कर रहा है। आपने जो बेरोज़गारी का नाम लगाया, आप तो बेरोज़गार सच में हो, इस बार पॉलिटिक्स से भी हो, तो एक तरीके से आपका भी मोटिव काम आ रहा है, उनका भी काम आ रहा है। लेकिन आप जो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो ये भूल जा रहे हो कि सोशल मीडिया के ज़माने में जब एक एक चीज़ वो उंगलियों से टाइप करके चेक कर सकता है, तो आप कितना बेवकूफ़, कितना मैनिपुलेट कर लोगे। आपके एजेंट हैं, बहुत सारे एजेंट हैं, ये जो मीडिया वाले हैं, ये जो यूट्यूब पे बहुत लोग हैं जो ये नैरेटिव बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन उससे क्या आपको ये लगता है कि आप अगला चुनाव जीत जाओगे लोकसभा का? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि आपके पास और कुछ बचा नहीं है, और जैसे भाजपा आगे काम करती जाएगी आपको और कुछ नया नया मिलता जाएगा। लेकिन अभी शुरुआत में सिर्फ जीत के ही आई है, तो एक मुद्दा मिल गया आपको धर्म वाला, तो आगे तो बहुत मुद्दे मिलने वाले हैं। तो जनता को बस मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो प्रिपेयर्ड रहे फेक नैरेटिव को टैकल करने के लिए, और हर चीज़ को बिना चेक किए आगे शेयर ना करे, खुद बिलीव ना करे, और पहले परख ले और उसको चेक करने के लिए अपने ही आसपास का माहौल देख ले। और कहीं दूर की अगर बात कही जा रही है तो न्यूज़ पे एक पोर्टल पे बिलीव ना करें, 10 न्यूज़ हैं, 400-500 न्यूज़ चैनल्स हैं, इतने न्यूज़ पोर्टल्स हैं, किसी भी एक पे बिलीव करोगे तो सब पे सब क्या खुल के बेकार बैठे हैं। तो सबका पर्सपेक्टिव सुनो।